तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है, और एनसीईआरटी मैथ का यहाँ पर एक्सरसाइज 3.7 का सातवें नंबर का चौथा नंबर का प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक बार फिर से दो इक्वेशन है, यानी कि दो समीकरण है। पहला समीकरण देखेंगे a माइनस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण। देन दूसरा इक्वेशन हम लोग देखेंगे, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखो इस प्रश्न में हमको करना क्या है, इस प्रश्न में समीकरण एक के साथ किसी प्रकार से शुरुआत में समीकरण एक के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, समीकरण दो को देखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण दो से। अब समीकरण दो क्या हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, यही है ना। अब इसको क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा, a को x से गुना करेंगे ए एक्स, प्लस है तो प्लस लिया हमने, फिर ए बी को x से गुना करेंगे बी एक्स, फिर प्लस है, a को y से गुना किया ए वाई प्लस बी को y से गुना किया बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब इस दोनों में से x कॉमन ले लेना है तो ये होगा a प्लस बी एक्स, और इस दोनों में से y कॉमन लेना है तो ये होगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन थर्ड, क्या मान लेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब अपन को काम क्या करना है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से देखना है। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड थर्ड से। समीकरण फर्स्ट क्या हमारे पास, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर, और समीकरण थर्ड क्या है ये देखो, a प्लस बी एक्स प्लस में a प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। लुप्तीकरण विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम, और लुप्तीकरण विधि से देखोगे तो y का गुणांक यहाँ पर बराबर है, y का गुणांक a प्लस बी, ए प्लस बी दोनों प्लस में है, गुणांक बराबर हो किसी एक चर का और दोनों चिन्ह समान हो, यानी कि ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, तो घटाते हैं हम लोग। घटाने पर जब भी घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, चिन्ह बदल गया। कहने का मतलब अब जो है ना, ये है माइनस का ए प्लस बी, माइनस का ए प्लस बी, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चिन्ह बदलने का मतलब ये है। ऊपर में देखेंगे a प्लस बी वाई से माइनस ए प्लस बी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, देखो बचा हमारे पास ये a माइनस बी इंटू एक्स माइनस का a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है जी, ये बच गया तुम्हारा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस टू ए बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो a, अब इसको मल्टीप्लाई करो, a को x से गुना करेंगे ए एक्स, माइनस बी को x से गुना करेंगे माइनस बी एक्स, माइनस ए एक्स ये गुना करेंगे तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस का बी एक्स, क्यों, देखो यहाँ से माइनस, अगर ये कोष्ट खुलेगा ना, सबसे पहले देखो ए एक्स हो रहा है बी एक्स हो रहा है, अब अगर यहाँ से अगर सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर ले, इसको हम मल्टीप्लाई कर ले तो ये ए एक्स हो जाएगा और ये बी एक्स हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ पर देखो ना, इसको हम फर्दर सॉल्व करें, यहाँ से ये यहाँ पर दिया है ए प्लस बी इंटू एक्स, इसको अंदर में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस का बी एक्स। अभी अगर कोष्ट खोलते हैं अंदर में दोनों प्लस में, दोनों का दोनों माइनस में हो जाएगा ए एक्स माइनस का बी एक्स, तो ये हमने लिखा है ए एक्स माइनस का बी एक्स, तो ए एक्स से एक्स हो गया हमारा कैंसिल, बराबर में माइनस टू ए बी माइनस टू बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा बी एक्स बी एक्स, दोनों माइनस में है तो माइनस में टू बी एक्स, बराबर में यहाँ से माइनस का टू बी, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे माइनस का टू बी, तो क्या बच रहा है हमारे पास, ये बच जाएगा ए प्लस बी। देखो माइनस बाहर चला गया और बी बाहर चला गया, ए बच गया, माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस बच गया, और बी टू भी बाहर गया और बी भी बाहर गया, तो एक बी यहाँ पर बच जाएगा, तो ये होगा ए प्लस बी।
अब अगर x बराबर लिखते हैं तो ये होगा माइनस टू बी इंटू ए प्लस बी, और बट्टे में यहाँ पर माइनस टू बी है तो माइनस टू बी, माइनस से माइनस कैंसिल, टू बी से टू बी कैंसिल, x बराबर यहाँ पर हमारे पास निकला ए प्लस बी। क्या निकला? x बराबर ए प्लस बी। सिंपली करना क्या है, अब क्या करना है, जो x का मान हमने निकाला है उसको समीकरण एक में रख देंगे। क्या करना है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, समीकरण एक देखेंगे तो ये है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ए माइनस बी है और x का मान देखो अभी हमने क्या निकाला है, यहाँ पर देखो x का मान निकाला है हमने a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस में a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला एक तुमने पढ़ा है, अगर इसको गुना भी करोगे फॉर्मूला का ढाव, अगर a माइनस बी और a प्लस बी को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इस पूरे टर्म को उठा के अपन इधर ले जाते हैं तो a को ले जाएंगे तो माइनस में स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर को ले जाएंगे प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस में दूसरे साइड चेंज करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर। और से देखना यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और देन बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, क्या बच रहा है हमारे पास, y बराबर अगर हम ये लिखे a प्लस बी वाई बराबर बच रहा है माइनस टू ए बी, और y बराबर लिखे ये गुना में है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो भागा में चला जाएगा माइनस टू ए बी बट्टे में a प्लस बी, ये तुम्हारा निकल गया, ठीक है। ये हमने जो प्रयोग किया है लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करके, इस दो हमारे पास जो दो दिए हुए क्वेश्चन थे समीकरण थे उसको हल किया है, तुम चाहो तो प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि का भी प्रयोग कर सकते हो।